हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डाइटिशियन प्रियंका जी के साथ, जो कि जीरकपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डाइटिशियन प्रियंका जी से बातचीत की, जिन्होंने बातचीत के दौरान बताया डाइट का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता, डाइट का मतलब बैलेंस डाइट है। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरे लोग यहाँ पहुँचते हैं और डाइटिशियन प्रियंका जी से डाइट प्लान लेकर जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं डाइटिशियन प्रियंका जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन प्रियंका जी के साथ, जो जीरकपुर के हर्ट में और चंडीगढ़ में दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, मैं डाइटिशियन प्रियंका, हम चंडीगढ़ एंड जीरकपुर। प्रियंका जी, आज का जो सिनेरियो है जिसमें पहले लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे, लेकिन आजकल जो है सीन बदला हुआ है, लोग डाइटिशियन को फॉलो करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हर 10 में से 5 या 4 लोग जो ऐसे हैं जो मोटापे का, मॉरल ऑब्सटी का शिकार हैं, और डाइटिशियन की जरूरत जो है डॉक्टरों से भी ज्यादा पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं अपना कि हमारा खान पान, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारा बिल्कुल एक ही जगह पे बिल्कुल बॉडी को मूव ना करना, ये सभी चीजें हैं जिससे हमारा मोटापा और हमारी बीमारियां बढ़ने लगी है। जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो गई, ये सभी प्रॉब्लम्स इसी कारण से बढ़ रही है। बस अगर हम बात करें धीरे धीरे, पहले हम डायबिटीज की बात करें, जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनको आप लोग बिना मेडिसिन के एक नॉर्मल लाइफ पे ले जाते हैं, जैसे आप डाइट प्लान करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ डाइट चार्ट देते हैं, और उसके साथ साथ उनको सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में वो चीजें कि आप लोगों को एक हेल्दी जीवन गुजारना, एक्सरसाइज करनी है, क्या कहना चाहिए? प्री डायबिटीज जो है वो इतना कोई डरने का कंसर्न नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि शुगर आ गई है और आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपकी अगर फैमिली में किसी को है, मम्मी पापा या दादा दादी किसी को भी, उसके साथ आपको जरूरी है कि अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल को बदलिए और टाइम टू टाइम अपना शुगर चेक कराती रहिए, जिससे आपको पता रहे कि आपकी रीडिंग्स क्या आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपना एक कस्टमाइज डाइट प्लान सेट कराइए, जिसमें आपका एक पूरे दिन का दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपका प्लान होगा, जिसको आप फॉलो करेंगे और उससे आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल मॉनिटर रहेगी और कंट्रोल रहेगी। एक इसमें रहता है आपका HbA1c, जो आपको एवरी 3 मंथ्स में कराना होता है, जिससे आपका रीडिंग्स पता चल जाता है कि अभी आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, प्री डायबिटीज में है या फिर आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। प्रियंका जी, जैसे इसके साथ साथ आपने थायराइड की बात करी है, हार्मोन्स की बात करी है, जिसके कारण आज PCOD बहुत बड़ा एपिडेमिक बना हुआ है लेडीज में, क्या कहना चाहेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो डाइटिशियन दे सकती है? हाँ बिल्कुल, डाइटिशियन दे सकती है। PCOS को मैनेज भी किया जा सकता है अच्छे से, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, आप उसको एडिक्वेट स्लीप लें, वाटर इंटेक अपना प्रॉपर रखें, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसको एक माइंडफुल सेट होके करिए। जैसे अपना ईटिंग अगर हैबिट्स है आपकी, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं फीमेल्स को, गर्ल्स को जो टीनेज एज में है उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन इसका यही है कि अपने आप लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करें, जैसे कि अपना डाइट हो गया, अपना लाइफ स्टाइल में अपना डेली का आधा घंटा एक घंटे की सैर हो गई, व्यायाम हो गया, योगा हो गया, कोई भी आप एक्टिविटीज कर सकते हो। स्ट्रेस लेवल को थोड़ा मैनेज करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर आपको क्या होगा, आपको इमोशनल ईटिंग होगी, आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, उससे आपका वेट भी बढ़ेगा और फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने आप को हेल्दी रखो और हेल्दी होने के साथ साथ अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिशन को लो, जिसमें फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाटर इनटेक हो गया एंड हेल्दी फैट्स हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप डाइट पर लेते हो तो आपको ये समस्या नहीं होगी। आजकल जो यंग ब्लडर्स हैं डाइटिंग पर लगे हुए हैं और डॉक्टर प्रियंका खिलाकर पतले करती है, क्या फर्क है, क्यों ऐसे कहते हैं लोग कि डॉक्टर प्रियंका के पास आते तो अरे हम खाते भी मजे से हैं पर हम पतले भी हो गए? देखिए, डाइट में कोई ऐसा नहीं है, लोगों को डाइट के नाम पे ही बहुत डर लगता है कि हम डाइटिंग करेंगे और ये तो हमारा सब कुछ छोड़वा देंगे। तो डाइट बहुत सिंपल चीज है, अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, आपको डाइट में आपकी वो वैरायटीज मिलती है, आपका एक कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, जिससे आपको कोई ऑप्शन को सिलेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी बॉडी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान दिया जाता है, जिसमें आपका पूरे दिन का एक रेशियो रहता है कि आपने कितना कंज्यूम करना है प्रोटीन, कितना फाइबर एंड कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को आप ले रहे हो। मार्केट में इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होता है कि आप ये शेक ले लो, आप ये ले लो,
बजाय अगर आप किसी हेल्दी कंसर्न पर्सन से मिलते हो तो वो आपको उसके बॉडी में बताएंगे और आपको सही गाइडेंस से आपकी बॉडी को सही वे पे लेके जाएंगे। बिकॉज सप्लीमेंट्स लेके शॉर्ट टर्म चीज़ें फॉलो करके कभी कोई रिजल्ट नहीं आता, वो आपको उस टाइम तक देगा जब तक आप फॉलो कर रहे हो, बाद में वो बाउंस बैक कर जाएगा। प्रियंका जी, आज आपने स्टार्टिंग ही हमारे साथ हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे दर्शकों को, देखने वालों को, दर्शकों, जैसे आप हम लोग आप प्रियंका जी के साथ बड़े हुए हैं, नीचे फोन नंबर इनके चल रहे हैं, इनका क्लिनिक चंडीगढ़ में भी है और जीरकपुर में भी है, आप अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को? मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि अच्छा खाओ, व्यायाम करो और अपना रोज का एक शेड्यूल सेट करो, अपना गोल सेट करो, रियलिस्टिक गोल बनाओ कि मुझे ये करना है। किसी भी शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागो कि वो सप्लीमेंट मार्केट में है या मैं जिम पे 3 घंटे वर्कआउट करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। उसकी बजाय अपना खाने का भी रूटीन सही रखो, बिकॉज 80% आपकी डाइट वर्क करती है, 20% आपका फिजिकली वर्कआउट मैटर करता है। अगर दोनों चीज़ों को आप कॉम्बिनेशन में लेके चलोगे तो कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगी और अपनी हेल्थ को भी आप हेल्दी बना सकते हो, हेल्दी डाइट प्लान से।